हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से फेमस होने की चाहत लगभग हर किसी में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी में फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन दिनों छोटे छोटे बच्चे भी लड़कियों को फंसा कर उसके साथ वीडियो बना रहे हैं और ऐसे में उनके फैन फॉलोअर लाखों में है। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको सोशल मीडिया के साथ निब्बा निब्बी के बारे में बताने वाले हैं, जो 12-13 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया पर गुपचुप कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में शुरुआत पर नंबर 7 पर आते हैं सहवाग एंड रिद्धि। दोस्तों, सहवाग एंड रिद्धि अहमदाबाद गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जहां सहवाग की उम्र अभी के टाइम 17 वर्ष है, वहीं रिद्धि की उम्र 16 वर्ष है। दरअसल इनकी लव स्टोरी कुछ ऐसे शुरू हुई, जब सहवाग ने रिद्धि को फर्स्ट टाइम देखा तो अपना दिल दे बैठा। इन लोगों की पहली मुलाकात एक पार्क में हुई। सहवाग ने रिद्धि को अपना नंबर दिया। नंबर देने के बाद इन लोगों की बातचीत होने लगी और धीरे धीरे ये लोग रिलेशनशिप में आ गए और इनकी रिलेशनशिप इतनी गहरी हो गई कि जब लॉकडाउन लगी तो ये लोग एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, तब इनका मन नहीं लगता था। ये लोग एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा उतावले हो गए थे कि ये शादी के बिना रह ही नहीं सकते थे। फिर अपने अपने फैमिली को मनाने के बाद इनका एंगेजमेंट हुआ और शादी हो गई। बट दोस्तों, मजे की बात यह है कि इनका एक बेबी बॉय भी है, जिसका नाम युवान है। नंबर 6, गोलू सिंह। दोस्तों, दिखने में तो ये छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, लेकिन इनके काम बिल्कुल भी छोटे बच्चे वाले नहीं है। कुछ वक्त पहले इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जो इनके गर्लफ्रेंड के साथ था, और उस वीडियो में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं दिखाया था और ये काफी छोटे लग रहे थे। तो उन सब के कारणों की वजह से ये लोगों को ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा और ये वीडियो वायरल हो गया। लेकिन उसके बाद गोलू समझ गए कि ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, तो लगातार ऐसे ही वीडियोस डालने लगे। अगर आज आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर देखें तो जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और वहां पर इन्होंने सैकड़ों वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन सबके सब वीडियोस एक जैसे हैं। इनमें अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा ये नहीं दिखाते, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो हम आपको दिखाएंगे। सो यही है गोलू की गर्लफ्रेंड। वैसे दोस्तों, लड़की तो क्यूट है, मानना पड़ेगा। नंबर 5, यश रॉय एंड राधा रॉय। दोस्तों, ये सोशल मीडिया के एक और निब्बा निब्बी हैं, जो कि काफी छोटी उम्र में ही काफी अश्लील कंटेंट बनाते हैं। ये अक्सर डांस वीडियो बनाते हैं और ये डांस वीडियो में भोजपुरी गानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अच्छे भोजपुरी गाने नहीं बल्कि वियर्ड और डबल मीनिंग वाले भोजपुरी गाने होते हैं, अक्सर उनका इस्तेमाल करके वीडियो बनाते हैं, जिससे इनके कई सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। और देखा जाए तो इनकी उम्र काफी ज्यादा छोटी है और इसलिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत असर डाल सकती हैं, न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि इनके वीडियोस देखने वाले बच्चों के ऊपर भी। बता दें कि ये हमेशा से ऐसे वीडियोस नहीं बनाया करते थे, लेकिन जब इनके डांस के कुछ वीडियोस वायरल होने लगे तो इनका एक भोजपुरी गाने पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल चला गया, तब इन्होंने और भी ज्यादा ऐसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ये इंस्टाग्राम के साथ साथ और भी कई शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स पर, जहां इन्होंने काफी ज्यादा व्यूज बटोरे हैं। नंबर 4, राजू एंड रोशनी। दोस्तों, राजू और रोशनी झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। फिलहाल ये लोग 17-18 साल के हैं, लेकिन जब इन्होंने शादी किया था तब शायद इनकी उम्र 14 से 15 साल ही रही होगी। अगर बात करें इतने कम उम्र में आखिर इनकी शादी कैसे हुई, तो आपको बता दें कि ये दोनों लोग एक ही गांव से बिलोंग करते थे। गांव में इनका एक घर बिल्कुल आसपास में तो था, साथ में इन दोनों लोगों ने खेलना और पढ़ना भी किया था। दोस्तों, एक साथ रहते रहते राजू को रोशनी से प्यार हो गया। जब राजू रोशनी से ये बात बताए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। फिर राजू ने रोशनी को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथ पर ब्लेड से कट कर उनका नाम लिख लिया। मतलब देख रहे हो ना आप कितना तगड़ा प्यार था राजू को रोशनी से। बट भैया, फिर भी रोशनी प्यार में नहीं आई और उन कुछ दिनों के बाद प्यार का एहसास रोशनी को हुआ, मेरे लिए वो इतना कर रहा है तो मुझे उससे प्यार करना चाहिए। फिर उसके बाद ये निब्बा निब्बी वाली कहानी स्टार्ट हुई। इन लोगों का प्यार इतना बढ़ गया कि ये लोग अब एक दूसरे के बिना 1 घंटे क्या 1 सेकंड भी नहीं रह सकते थे। तब इन लोगों ने शादी करने का सोचा और अपने फैमिली वालों से बोला तो इनके फैमिली ने साफ मना कर दिया। उसके बाद ये दोनों एक रात घर से भाग गए, जिसके बाद इन दोनों लोगों के पेरेंट्स ने इनके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद पुलिस ने इन्हें 1 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। बाद में राजू की फैमिली वाले मान गए और इन दोनों लोगों को छुड़ाकर वापस ले आए और फिर शादी भी कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद ये लोग बोल रहे थे कि अभी हमें बच्चा पैदा नहीं करना है, बट 11 महीने बाद ही सुनने को मिला कि रोशनी प्रेग्नेंट है। फिलहाल अभी के टाइम इनका एक बच्चा हो चुका है, जिसका नाम इन्होंने ऋत्विक रखा है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं भाई, अभी के टाइम में रोशनी भाभी फिर से प्रेग्नेंट है। नंबर 3, सागर सिंह एंड सना मीठी।
दोस्तों सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे आप सना कोइन ले लीजिए, ये सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। ये काफी अजीब कपल वीडियोस डालती हैं और इसी कंटेंट के लिए कई बार इंस्टाग्राम ने इन पेज को ब्लॉक भी किया है क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब कंटेंट डालती हैं। बता दें कि सागर नाम के लड़के के साथ वीडियो बनाती हैं जो अभी के टाइम ये दोनों रिलेशनशिप में है। ये दोनों बिल्कुल किसी कपल की तरह वीडियो बनाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सागर देखने में काला है और सना काफी गोरी है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अजीब अजीब वीडियो बनाते हैं। आपको यह सब वीडियो देखकर समझ में आ ही रहा होगा ऐसे वीडियो वायरल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को यह काफी अटपटा लगता है। उसी के साथ साथ ये खुद काफी गरीब भी बताते हैं, पर अपने हर एक वीडियो में ये बिल्कुल ब्रांड न्यू महंगे कपड़े और बहुत ज्यादा अच्छे मेकअप के साथ दिखती हैं। यकीनन कोई भी गरीब या अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस समय में दोनों ने शादी भी कर ली है। नंबर 2 सुनील एंड गुड़िया। दोस्तों ये दोनों लोग 16-17 साल के हैं। सुनील और गुड़िया का घर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, जिससे कि इन दोनों लोगों का एक दूसरे के गांव में आना जाना बना रहता था। इन लोगों ने साथ में कई बार मुलाकात की, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। प्यार होने के बाद शादी के लिए इन दोनों ने अपनी फैमिली वालों से बोला। कम एज होने के कारण इनके फैमिली वालों ने सख्त मना कर दिया कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फिर एक दिन इन दोनों लोगों ने भागकर शादी कर ली, जिसके कुछ दिन बाद इनके फैमिली वाले भी मान गए और जब शादी कर लिया है तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग घर आ गए और फैमिली के साथ रहने लगे। फिलहाल इन दोनों बच्चों के 2 बच्चे भी हैं, जिससे एक का नाम विराट और दूसरे का नाम चीकू है। नंबर 1 श्रीमल एंड रानी। दोस्तों ये दोनों लोग अभी 15 और 16 साल के ही हैं। श्रीमल बिलोंग करता है झारखंड के जमशेदपुर जिले के एक छोटे से गांव से, वहीं रानी बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों की मुलाकात कैसे हुई। शादी हुआ सो हुआ, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए। उससे पहले आपको बता दूं कि श्रीमल मनीषा से शादी करने से पहले 2 और लड़कियों से शादी कर चुका है। जी हाँ, मैं ये सही बोल रहा हूँ। दरअसल श्रीमल के पहली पत्नी का नाम मनीषा था, जो इसी गांव से बिलोंग करती थी। श्रीमल और मनीषा एक साथ रहते थे, वीडियो बनाना शुरू किया और वीडियो बनाते बनाते इन दोनों लोगों को प्यार हो गया। फिर शादी कर ली, लगभग 1 साल तक साथ रहे। फिर कुछ हुआ और मनीषा श्रीमल को छोड़कर अपने दीदी के देवर रोहित से शादी कर चुकी है। उसके बाद मनीषा जब श्रीमल को छोड़कर गई तो जिसके बाद श्रीमल ने अक्कू नाम की लड़की के साथ वीडियो बनाना शुरू किया और कुछ दिनों बाद इससे भी शादी कर लिया। फिर कुछ महीनों तक साथ रहने के बाद इनमें भी कुछ हुआ और फिर ये दोनों भी अलग हो गए। फिर उसके बाद श्रीमल और रानी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई और ये लोग कुछ दिन तक बात की और एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए। फिर श्रीमल महाराष्ट्र गया और रानी के फैमिली को मना कर रानी से शादी कर उसे अपने घर ले आया। फिलहाल उस समय श्रीमल रानी के साथ ही रह रहा है। अगर बात करें इन बच्चों की तो अब तक इनका बच्चा नहीं हुआ, यानी सो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक तो नहीं हुआ, बट अभी के टाइम रानी प्रेग्नेंट है। सो दोस्तों ये थे सोशल मीडिया के 7 नब्बे, जिसमें से कई शादी करके बच्चा भी पैदा कर चुके हैं। कोई प्लानिंग कर रहा है तो कोई कुछ सालों में शादी करने वाला है। वैसे इन लोगों के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अभी और नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।